नमस्कार, प्रणाम, सुप्रभात। तो कैसे हैं आप सभी? तो स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज का वीडियो यहाँ पर मैंने सुबह सुबह शुरुआत कर दिया है प्याज आलू की सब्जी बनाने से। तो बस यहाँ पर मैं दे रही थी प्याज आलू की सब्जी को तड़का, तो मैंने कहा चलो यहीं से अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो बस आपको बताऊँ तो डेली सब्जी बनाते हैं, उसमें कुछ समझ में नहीं आता कि आज क्या बनाएँ। तो बस इसीलिए मैंने सोचा कि चलो आज प्याज आलू की सब्जी बना लेते हैं। उधर तब तक मेरी छोटी बहन बाल कंघी कर रही, तब तक मैं इधर फटाफट से अपनी सब्जी भी बना लूँगी। तो चलो फिर सब्जी बना लेते हैं। फिर उसके बाद आज मुझे करनी है अपने द्वार पर लिपाई भी, तो इसीलिए मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी से सब्जी बना ले रही हूँ। देखो पहले नंबर तो सब्जी को छोंक देते हैं, क्योंकि सब्जी छोंक देंगे फिर उसके बाद फटाफट से आटा छान लेंगे, आटा को गूंथ लेंगे, तो बस ऐसे ही जल्दी जल्दी से सारा काम हो जाता है। और ये सुबह का तो टाइम हो ही रहा है, ये बात मैं आपको बता ही चुकी हूँ। और मेरे यहाँ पर बताऊँ 3 दिन से लगातार इतनी बारिश हो रही है आपको क्या बताऊँ। तो बस इसीलिए ये आप चौका देख ही रहे होगे इसकी क्या हालत हो चुकी है। अब इसकी भी लिपाई करनी पड़ेगी, इसकी भी डेंटिंग पेंटिंग करनी पड़ेगी। तो चलो आपको दिखाएंगे जैसा कुछ भी करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया है, पानी डालने के बाद बस इसको ढक देंगे थाली से, ये बनके तैयार हो जाएगी। और हाँ, आप उसमें खटाई डालना बिल्कुल मत भूलिए, खटाई नहीं डालेंगे तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो बस इसलिए मैंने ढक दिया, आराम से बनती रही। तब तक मैं अपना यहाँ पर आटा छान ले रही हूँ, आटा छान लेंगे फिर उसके बाद आटा को गूंथ लेंगे फटाफट। और आपको एक बात और बताऊँ, और जब भी मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो मेरी ना फटाफट बोलने की आदत पता नहीं क्यों लग गई एक या दो दिन से। तो बस इसीलिए, और आपको बताऊँ, आप में से काफ़ी लोग कमेंट करते कि आपके वीडियोस पर ऐड क्यों नहीं आते हैं। तो अभी तक मैंने अपना चैनल मोनेटाइज के लिए भेजा ही नहीं है, तो ऐड आएंगे कैसे? तो बस जल्दी जल्दी से मोनेटाइज करवा लेंगे, फिर उसके बाद एड्स भी आ जाएंगे और फटाफट से वीडियो वायरल भी हो जाएगा। तो बस अब यहाँ पर मैंने आटा को छान ले रहे हैं, जल्दी जल्दी से आटा छान लेंगे फिर उसके बाद आटा को गूंथ लेंगे, तो बस यहाँ पर फटाफट से रोटी बन जाएगी। मैं इतनी बार फटाफट क्यों कह रही हूँ मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। तो चलो, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नहीं हो तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब उसके बाद यहाँ पर मैं आटा गूंथ ले रही हूँ। और आपको बताऊँ, धूप तो ना आजकल हो ही जाती है, मैं ना कितना भी जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश करूँ पर फिर भी धूप हो जाती है। आपको बताऊँ, देखो मैं सुबह 6 बजे से पहले उठ जाती हूँ, फिर उसके बाद कमरे बरामदे में झाड़ू लगाती हूँ, फिर उसके बाद आंगन में थोड़ी बहुत लगा देती हूँ, फिर चूल्हा चौका की साफ़ सफाई करती हूँ, फिर उसके बाद ब्रश वगैरह करती हूँ, फिर मतलब सब्जी काटती हूँ, सब्जी को छौंकती हूँ, आटा छानती हूँ, आटा गूंथती हूँ। तो इसमें ना टाइम हो जाता है, बिल्कुल टाइम पता ही नहीं चलता कि कहाँ टाइम हो गया। तो बस इसीलिए टाइम हो जाता है, और इतना ज़्यादा वैसे तो नहीं होता है, पर आपको धूप दिख ही रही हो कितनी ज़्यादा हो गई है। और गर्मियों का तो मौसम है, तो बस धूप तो हो ही जाती है जल्दी, चाहे आप कितना भी जल्दी कर लो। तो बस फिर उसके बाद यहाँ पर मेरी छोटी बहन आई थी, ये ना यहाँ से बेर दिखा फिर क्या, उसके बाद ये वाली बेर ही आया। इस पर ना सर्दियों में भी बेर आते हैं, अभी भी बेर लगे हुए हैं काफ़ी आ। तो बस भाई मेरी छोटी बहन दिखाने की कोशिश कर रही थी। फिर क्या, यहाँ पर मैं आती हूँ बाहर, सबसे पहले ना मैंने अपने बालों में जो होता है ना प्याज का रस वो लगा लिया था, क्योंकि मुझे नहाने जाना था इसीलिए। तो यहाँ पर हो चुके हैं मुझे 15 से 20 मिनट हो गई, मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले द्वार की लिपाई कर लेते हैं, साफ़ सफाई कर लेते हैं। तब तक क्या होगा कि रस जो होगा अच्छे से, मतलब आप समझ रहे हो, सर में अच्छे से, बालों में वो भी हो जाएगा। तो बस 1-2 घंटे के लिए लगाया जाता है इसीलिए। तो यहाँ पर मैं लगा झाड़ू जल्दी जल्दी से, मैंने कहा चलो। और आपको बताऊं, द्वार है तो गंदा तो हो ही जाता है, और देखो मैंने लिपाई की थी कम से कम मुझे 1 हफ्ता हो गया तब से नहीं की, तो मैंने कहा चलो आज लिपाई भी कर लेते हैं लगे हाथों। तो बस यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी से झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया, जो खाट थी खाट को उठा के बाहर तहरी पर डाल दिया है, फटाफट से लिपाई कर लेंगे। और आज आपको बताऊँ, आज मैं ना पियरा मिट्टी और उससे ना ऐसी डिज़ाइन वाली लिपाई करने वाली हूँ पहली बार, मतलब। और मतलब मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने इतनी अच्छी लिपाई करी है इतने अच्छे से। अभी आप देखना तो आप भी कहोगे दी सच में आपने ना बहुत मस्त लिपाई की है। तो बस यहाँ पर झाड़ू लग चुकी है, अब नीचे वाली दहरी पर भी झाड़ू मार लेंगे, फिर उसके बाद करेंगे लिपाई स्टार्ट। और लिपाई करने के लिए वैसे तो आपने देखा होगा मैंने नॉर्मली गोबर और पियरा से लिपाई करती हूँ, पर आज ना मैं ऐसा करने वाली नहीं हूँ। आज आप देखिए कैसे हो, तब तक पूरे वीडियो में बने रहिएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ अभी से वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बस यहाँ पर मैं ले आई थी तसला में लाल मिट्टी को और गोबर को, यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया, अब इसको गलका कर छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। तब तक जाकर मैं अपने अंदर बर्तन धो लूँगी, तब तक ये अच्छे से गलक जाएगा। बस फिर उसके बाद करेंगे लिपाई स्टार्ट। तो बस जल्दी जल्दी से मैंने हाथ धो लिया, अब जाके बर्तन धो लेंगे, तब तक ये हो गया था। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो अब यहाँ से करते हैं डिज़ाइन बनाना स्टार्ट। और यहाँ पर मैंने ले ली थी एक कटोरी, कटोरी की हेल्प से यहाँ पर आपको डाल देना है पतला पतला सा, और वो ये लाल मिट्टी और गोबर भरकर, और फिर उसके बाद आपको हाथ से ऐसे डिज़ाइन बना देनी है। तो बस मैं तो फर्स्ट टाइम कर रही थी तो मुझे इतने अच्छे से आ नहीं रहा था, पर आपको सच्ची बताऊँ तो बाद में इतने अच्छे
से निखर के आया था ऐसी डिजाइन, मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा द्वार इतना सुंदर इतना दरवाज़ा बन जाएगा। तो बस फिर क्या यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दिया था, और धूप काफ़ी ज़्यादा हो रही है क्योंकि ये दोपहर के 11 बज रहे थे, 11 बजे का टाइम हो रहा था। इसीलिए आपको बताऊँ दोपहर के 11 बजे ना तक मेरा सारा काम हो जाता है, चूल्हा चौका की साफ़ सफाई, बर्तन वगैरह। तो बस उसके बाद अब मैं आराम से प्रॉपर अपने बैठ के कर लूँगी। तो बस यहाँ पर वही मैं जल्दी जल्दी से डिज़ाइन बना ले रही हूँ, और यहाँ तक मैंने इतनी डिज़ाइन बना ली है। कमेंट करके बताना आपको ये वाली मेरी लिपाई वाली डिज़ाइन कैसी लग रही है। और आपको बताऊँ एक दी है शशि देसाई शायद करके उनका, मतलब शायद शशि देसाई करके है हाँ, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कमेंट किए थे हर एक वीडियो पर कि लिपाई पुताई दिखाओ खुश रहो, लिपाई पुताई दिखाओ खुश रहो। तो बस उन्हीं के डिमांड पर, और आप समझ लीजिए कि मैंने ये वाला वीडियो बनाया स्पेशली उनके लिए। तो बस आप देखिए कि आपको ये वाली मेरी लिपाई कैसी लग रही हो। अगर ये मेरी लिपाई अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को ना वायरल करा के छोड़िए। इस वीडियो पे मैं आपको बताऊँ मुझे कम से कम 10K व्यूज़ तो चाहिए ही चाहिए। तो बस आप लोग इसको इतना सपोर्ट कीजिए कि इस पे 10K व्यूज़ तो आ ही जाएँ। नॉर्मली मैं आपको बता दे रही हूँ, तो बस इसीलिए मैं इतनी ज़्यादा मेहनत भी कर रही हूँ इसीलिए। और आपने कहा था कि लिपाई करो, तो बस इसीलिए मैंने कहा चलो जब आपने कहा है तो लिपाई का आज ब्लॉग आज डाल ही देते हैं। काफ़ी दिन हो गए मैंने लिपाई करी भी नहीं थी ना इसीलिए। तो चलो अब उसके बाद मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी से डिज़ाइन बना ले रही हूँ। बस मुझे थोड़ी सी दिक्कत तो हो रही थी डिज़ाइन बनाने में क्योंकि मैंने पहली बार बनाई है। तो यहाँ पर ये देखो मैंने अपने पूरे दरवाजे पर अच्छे से डिज़ाइन वाली लिपाई की है, और अब की बार ना मैंने इसमें गेरू भी डाला है। मतलब आप गेरू समझ लो, गेरू डाला, इतना लाल हो गया था ना लिपाई करते करते, इतना ज़्यादा इसने अच्छा कलर दिया था कुछ कहने का ही नहीं। तो बस यहाँ पर मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से बना लेते हैं। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अभी से वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नहीं तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो अब जल्दी जल्दी से मैं यहाँ पर लिपाई कर ले रही हूँ, फिर उसके बाद आपको लास्ट में दिखाते हैं फाइनल की मैंने कैसी क्या लिपाई करी हुई है। तो बस फिर उसके बाद यहाँ पर ये देखो मैंने एंड में अच्छे से लिपाई कर दी है। तो आप लोग आज मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको आज ये मेरी डिज़ाइन वाली लिपाई सच्ची में कैसी लगी, और अगर आपको ये वाली मेरी लिपाई अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को वायरल ज़रूर करा देना, फिर मैं नेक्स्ट पक्का इससे भी अच्छी लिपाई करूँगी डिज़ाइन वाली। तो बस अब उसके बाद जितना भी कवर बचा हुआ है उससे बाहर का थोड़ा बहुत लिप देंगे। तो बस आज की लिपाई सबसे बेस्ट लिपाई आपको बताऊँ। तो बस गाइस तो आज का ये वाला वीडियो था, ये मैं दीदी कुछ बात करके ख़त्म करने वाली थी, तो फिर दीदी अभी कुछ काम में बहुत ज़्यादा काम है, दीदी भी झाड़ू लगा रही हैं, फिर अभी दीदी को और भी काम है, तो फिर इसलिए दीदी ने कहा एक काम करो ब्लॉग आज का आप ही एंडिंग कर दो। तो मैंने कहा चलो आज का ब्लॉग मैं ही इसे एंड कर देती हूँ। तो चलो आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको आज जो मैंने अलग तरीके से डिज़ाइन वाली लिपाई की आप सभी को कैसी लगी, और अगर आप सभी को मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करता हूँ वो भी बेल आइकन के साथ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ ऑल यूट्यूब फैमिली।